हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वाली वीडियो में करने वाले हम इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो इस फोटो में बताऊंगा कि आप अच्छे से एडिट कैसे कर सकते हैं पूरी डिटेल में और शार्पनिंग के साथ। तो मैं लाइटरूम और स्नैपसीड की मदद से करने वाला हूँ ये फोटो एडिट। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये रही हमारी फोटो, इसको हमने शेयर करना है स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो हमारा पहला स्टेप यही है कि हमने इस फोटो को शेयर करना है स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो मैं ऐड कर लेता हूँ फोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो आप फोटो देख सकते हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही देखने में, डिटेल भी नहीं है, शार्पनिंग भी नहीं है। हमारा फर्स्ट स्टेप यही है, जाएंगे डिटेल्स में। डिटेल में जाने के बाद हमने डिटेल को रख लेना है 70 रख लेंगे, और शार्पनिंग को हमने रख लेना है 50 के आसपास। हाँ, इतना ठीक है। इसके बाद हमें डन कर देना है। फिर इसके बाद जाएंगे ऊपर में सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर हमने टैप करना है, और लास्ट सेकंड में है व्यू एडिट्स। व्यू एडिट्स में जाने के बाद हमने अप्लाई कर लेना है हमने ओनली फेस पर। जहां भी आपको शार्पनिंग चाहिए वहां पर आपने अप्लाई कर लेना है। तो मुझे तो ओनली फेस में चाहिए, तो मैं फेस पर अप्लाई कर लेता हूँ। जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पर अप्लाई कर लेना। तो मुझे फेस पर चाहिए, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। थोड़ा थोड़ा कपड़े पर भी कर लेते हैं शार्पनिंग, थोड़ी सी आ जाएगी यहाँ पर भी तो अच्छी लगेगी थोड़ी फोटो। तो इतना कर लेने के बाद हमने कर लेना है इसको डन। डन करने के बाद बैक आएंगे, तो फिर जाएंगे हम पेंसिल पे, फिर जाएंगे ट्यून इमेज पे। ब्राइटनेस को हमने इनक्रीज कर लेना है, हल्का सा इनक्रीज करेंगे, और कंट्रास्ट को भी इनक्रीज कर लेंगे। एम्बियंस को हम रख लेंगे कुछ -70 या कुछ। इतना करने के बाद फिर हमारा वही स्टेप होगा, हमने फेस पर अप्लाई कर लेना है। जहाँ पर भी आपको अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर आपने अप्लाई कर लेना है। जैसा आपने मैंने पिछली पहले बताया तो वैसे आप कर लेंगे। तो मैं जल्दी से आपको फास्ट वीडियो करके बता देता हूँ, तब तक आप म्यूज़िक सुनो। तो इतना होने के बाद बैक आ जाएंगे। अब हमारा काम हो चुका है स्नैपसीड का। इसके बाद हमने शेयर कर लेना है फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में। वहाँ पर जाके हमारा अब सारा वर्क है, वहाँ पर ही करेंगे। तो हम सीधा शेयर कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। थोड़ा सा टाइम लेगा ऐड होने में। तो ये चली गई है फ़ोटो, अब हम देख लेते हैं। वहाँ हमारी फर्स्ट नंबर पर फोटो है, तो ये देख सकते हैं। तो फ़ोटो को हमने एडिट करना, अच्छी नहीं लग रही देखने में। तो आपको क्रॉप कर लेना है पहले तो फ़ोटो को। मेरी फ़ोटो इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो मैं जल्दी से आपकी फ़ोटो को क्रॉप कर लेता हूँ। तो इतना होने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, लाइटिंग में नहीं जाएंगे, कलर में जाएंगे। मिक्स टूल में जाएंगे, ऑरेंज कलर की, येलो कलर की ह्यू को कम करेंगे और सैचुरेशन को भी कम, ग्रीन कलर के ह्यू को कम और सैचुरेशन को इनक्रीज कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको जो भी आपके कपड़े का कलर होगा उसके हिसाब से लिख लेना, बाकी सबकी सैचुरेशन आपको कम कर लेनी है। जो भी कलर है फालतू के कलर, इसके सबको आप देख लें। इसके बाद हमने कर लेना है इसको फिर से सेव। अभी मेरा काम नहीं इसमें मुका, अभी जल्दी से फेयर कर लेंगे, दोबारा फिर से ऐड कर लेंगे इस फोटो को। तो इसको डिलीट कर लेंगे पहले वाली फ़ोटो को, इसको हमने डिलीट कर लेना है। फिर जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद जो हमने अभी सेव किया उसी फ़ोटो को फिर से ले आना है। तो मैं जल्दी से ले आता हूँ। तो फोटो हमारी आ चुकी है पहले नंबर में ही है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फोटो देख सकते हैं हल्का सा चेंज हुआ है लाइटिंग, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर। फिर जाएंगे कलर में। कलर में जाने के बाद मिक्स टूल में जाएंगे। मिक्स टूल में जाने के बाद येलो कलर को लेंगे सभी को। सैचुरेशन हमने ह्यू सैचुरेशन सबको कम कर लेना है, क्योंकि हमने ब्लैक टोन देना है। ब्लैक टोन देंगे थोड़ी अच्छा सा लुक आएगा, इसलिए हमने ब्लैक टोन देने के लिए सभी सैचुरेशन को कम कर लेना है। जो आपके क्लोज का कलर है उसकी सैचुरेशन को हल्का सा कम करो, बाकी सबका कम कर लो। और जो हमारे पास है कलर रेड, इसके थोड़ा सा ल्यूमिनस को इनक्रीज कर लेंगे, सैचुरेशन को इनक्रीज, और ऑरेंज कलर की ल्यूमिनस को इनक्रीज, ताकि हमारा जो फेस है हल्का सा वाइट हो जाए। तो फिर जाएंगे हम लाइटिंग वाले में। लाइटिंग वाले में जाने के बाद पहले आपको बता दूं, मेरी फ़ोटो में लाइटिंग और है और आपकी फ़ोटो में लाइटिंग और हो सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ
कि आप अपनी फोटो के हिसाब से लाइटिंग को एडजस्ट किया करो, सभी लाइटिंग को देखा करो कैसी लग रही है फोटो। अगर हाईलाइट कम है तो हाईलाइट को इंक्रीज करा करो, जो भी कम है कर लिया करो। तो मैं देखा तो मैंने ये रखी है सेटिंग वैसे तो मेरे फोटो के हिसाब से। तो इसके बाद जाएंगे हम कर्व टूल में। कर्व टूल में जाने के बाद व्हाइट कलर को आप चूज कर लेना है, उसके बाद सेंटर से ऊपर उठा लेना है, नीचे उठा लेना है और ऊपर से ऊपर आपको और उठा लेना है, इसके बाद डन कर लेना है। तो बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं बिल्कुल कितना अच्छा लग रहा है फोटो। तो इसके बाद जाना है इफेक्ट वाले में, नहीं जाना पहले कलर वाले में जाएंगे। वाइब्रेंस को हमने इंक्रीज कर लेना है और सैचुरेशन को डिक्रीज कर लेंगे हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और आपको टिंट को रख लेना है 5K यार आसपास, या 15 के आसपास, 10 के आसपास रख लो, हाँ इतना रख लेना है। और आपको टेम्परेचर भी रख लेना है 5K आसपास। इसके इससे क्या है हमारी फ़ोटो में थोड़ा टेम्परेचर भी आ जाएगा। और क्लैरिटी को आपको हर बार इंक्रीज करना है और टेक्सचर को भी आपको इंक्रीज करना है। इससे होता क्या है, फेस में जो टेक्सचर है पहले वाला वो और ज़्यादा आ जाता है। तो फोटो देख सकते पहले कितनी फेड लग रही थी, अब कितनी क्लियर और क्लैरिटी के साथ है, टेक्सचर पूरा आ चुका है हमारी फ़ोटो में। इसके बाद हमने डिहेज को हमने माइनस में रखना है, 4-5 रख लेना है। इसके बाद ग्रीन अमाउंट को भी हम रख लेंगे 5 या 7 के आसपास। ओवर साइज को हमने बिल्कुल 0 रख देना है। उसके बाद जाएंगे डिटेल में, शार्पनिंग को ज़्यादा नहीं बढ़ाना, 5-10 रख लेना, और डिटेल्स को बढ़ा देना है, और नॉइस रिडक्शन को भी हल्का सा बढ़ा देना है। तो अब आप फोटो देख ही सकते हैं आपके सामने ही है रिजल्ट, कितना अच्छा फोटो लग रही है। अब तो मैं आपको थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, फिर मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है फोटो। तो बिफोर एंड आफ्टर आप देख लो। फिर हम जाएंगे सिलेक्टिव टूल में, ये आपको मोड वर्जन मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर प्लस के आइकन पर जाएंगे, रेक्टेंगल को चूज करेंगे और नीचे से हमने इसको डालना है, ऐसे विगनेट इफेक्ट देना है आपको अपनी फोटो में। तो हमने एक्सपोजर को कम कर लेना है और कंट्रास्ट को इनक्रीज कर लेना है, हाईलाइट को हमने कम कर लेना है। तो इससे आप देख सकते हो नीचे से विगनेट इफेक्ट आ चुका है, अब हमारी फोटो भी कितनी अच्छी लग रही है। तो आप बिफोर एंड आफ्टर देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। अगर कोई भी आप टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट कर देना कि आपको ये टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊँगा। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक कर लो। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।